फ्रेंड्स, आज की मेरे इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि जो सीईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे काम करता है। तो एसईओ में 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेप होता है क्रावलिंग के बाद होता है इंडेक्सिंग के बाद होता है रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल। आप देखिए, हम इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि नेम है क्रावलिंग, क्रावलिंग में क्या होता है कि जो कोई भी वेब पेज है, उस वेब पेज को वन बाय वन उसको स्टडी किया जाता है। और किसी भी वेब पेज पे जब क्रावलर जाता है तो उस वेब पेज के यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब पेज का एक वेब लिंक होता है, उस वेब लिंक को यूआरएल बोलते हैं। तो ये क्रावलर जो है उसको इंडेक्स में ऐड करता जाता है। जैसे मान लीजिए आपका वेब पेज है, वेब पेज से क्रावलर दूसरे वेब पेज पे किसी लिंक के थ्रू दूसरे वेब पेज पे गया, तो इस दूसरे वेब पेज की भी जो यूआरएल है वो उसको इंडेक्सिंग में कॉपी करता जाएगा। तो ये पर्पस होता है क्रावलिंग का। और क्रावलर क्या करता है, क्रावलर एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर्स है, प्रोग्राम्स है। तो ये जितने भी वेब पेज हैं आपकी वेबसाइट में, सबके यूआरएल को कॉपी करता जाता है। और बाद में ये फिर क्या करता है कि विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ्स फिर से आपके वेब पेज को विजिट करता है, वेबसाइट को विजिट करता है, और उसमें जो भी आपने अपडेट्स की होती है उन अपडेट्स को ये इंडेक्सिंग में अपडेट कर लेता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में जो क्रावलर क्या करता है, जितने भी वेब पेजेस उसके वो मिले हैं वो सर्च इंजन के लिए इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स में वो जो है, जितने भी उसको वेब पेजेस मिले हैं, यूआरएल मिले हैं, उनको इंडेक्स फॉर्म में, ताकि जो सर्च इंजन है उनको उसको सर्च करना ईजी हो उसके लिए। मतलब इंडेक्स को आप एक बहुत मोटी बुक मान सकते हैं कि जिसमें सभी वेब पेजेस के यूआरएल होते हैं। और जब भी किसी यूआरएल किसी वेबसाइट का चेंज होता है तो ये क्रावलर उसको इंडेक्स में अपडेट करता है, उस बुक में अपडेट करता है। उसके बाद जब आपने इंडेक्सिंग कर दी है तो नेक्स्ट मेथड होता है रिट्रीवल। रिट्रीवल ये लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें क्या है कि जब यूज़र किसी चीज़ को सर्च करता है, कोई कीवर्ड टाइप करता है सर्च इंजन में, तो उससे रिलेवेंट जो भी वेब पेजेस हैं उसको लेके आके उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, उसके यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लाके और लिंक्स देता है। और इसमें जो सर्च इंजन है वो बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज़ करता है, ताकि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब वो बेस्ट इंफॉर्मेशन यूज़र के लिए सर्च करके लाके रख सके। जिसमें एक पेज रैंक एक मेथड होता है, जिसमें वो वेबसाइट्स जो सर्च इंजन को लगती है कि यूज़र के लिए बेस्ट है, वो सर्च करके लाके रखता है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से काम करता है, वो 3 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप होता है क्रावलिंग। क्रावलिंग में क्या होता है कि जो क्रावलर है, जो प्रोग्राम है सर्च इंजन का, वो हर एक वेब पेज पे विजिट करता है, उस पे जितनी लिंक्स होती है उनको विजिट करता है, और जितने वेब पेजेस पे वो विजिट करता है उनके यूआरएल को लाके वो कॉपी कर देता है इंडेक्स में। उसके बाद होता है इंडेक्सिंग। उस इंडेक्स से जो वेब पेज के यूआरएल है उससे वो एक प्रॉपर वे में एक बुक बनाता है, एक मोटी सी बुक बनाता है, जो सर्च इंजन की मेन बुक होती है। कि जब भी कोई सर्च करता है तो ये नहीं है कि उस टाइम पे जो सर्च इंजन है वो वेबसाइट्स पे जाके और सर्च करता है, उस टाइम पे सिर्फ वो इंडेक्स में कंटेंट्स को सर्च करता है। और इस इंडेक्स को जो क्रावलर है वो मंथली या वीकली वो अपडेट करता रहता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को वो वेब क्रावलर की जो मेन उसमें इंडेक्सेस में वो चेंज करता रहता है। और रिट्रीवल में क्या है कि जब भी यूजर सर्च करता है, कोई कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है, तो उस इंडेक्सिंग की हेल्प से जो सर्च इंजन है अपनी एल्गोरिथम्स को रन करके, बहुत सारी इसकी एल्गोरिथम्स रहती हैं, और उन एल्गोरिथम्स की हेल्प से वो सर्च करके बेस्ट ऑप्टिमल जो रिजल्ट है वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करके और यूज़र के लिए लिंक्स डिस्प्ले करता है। और थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी पे नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।